और भैया आपके गाड़ी में जो जितना भी काम हुआ है तो वो आपको अच्छा लगा? मतलब बहुत बढ़िया लगा भैया, बहुत बढ़िया। भैया की सर्विस भी बहुत बढ़िया, भैया ही बहुत बढ़िया, भैया का प्राइस बहुत अच्छा। हमने करोल बाग से पहले रेट लिस्ट मंगाया, रेट लिस्ट मंगवाया, निकू कार डेकोर से मंगवाया, राखा से मंगवाया, एक जया वाले उनसे मंगवाया, बट भैया से मैंने रेट लिस्ट भी नहीं ली, पर भैया पे बस बिलीव किया और भैया से काम शुरू करवा दिया। अच्छा। भैया के आने से पहले कई गाड़ी वालों ने मुझे रोका, सुबह सुबह मैं आया जल्दी, बट मैं सीधा भैया के पास ही रोका था, भैया से टाइम ले रखा था, भैया के पास। मतलब आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो ना? हाँ जी भैया। वेलकम करते हैं आपका क्रिस्टल कार केयर की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम आए क्रिस्टल कार केयर पे और हमारे सामने गाड़ी खड़ी है, ये किया सेल्टोस। इसके अंदर की आज हम आपको पूरी मॉडिफिकेशन बताएंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लग रही है, टॉप टॉप मतलब पूरा टॉप हो रहा है, बेस के टॉप हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लग रही है, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अभी इसके अंदर स्टेयरिंग कवर का भी काम चल रहा है, जैसे इसमें बता दूं आपको, स्टेयरिंग कवर, सीट कवर, आगे डीआरएल, बहुत सारी चीजें लग रही है फ्रेंड्स इसके अंदर, देखते जैसे कि आप भैया अभी काम में लगे हुए हैं। तो यही सब फ्रेंड्स आज इस गाड़ी के अंदर काम होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चीज़ रहने वाली है अपनी किया सेल्टोस के अंदर, ये अपनी डीआरएल रहने वाली है, जिसके अंदर अभी देख सकते हैं आप पार्किंग जल रही है इसके अंदर, इसके अंदर पार्किंग इंडिकेटर सब जलता है। और अभी भैया इसके कनेक्शन करेंगे, देख सकते जैसे कि आप, ये ऐसे करके ऐसे लगाई जाती है इस पर, देख सकते हैं ऐसे करके ऐसे लगाई जाएगी, इस तरफ से भी वैसी लगाई जाएगी। अभी ये फाइनल यहाँ पर लग चुकी हुई है, देख सकते हैं जैसे कि आप, यहाँ पे भी ये लग चुकी है लाइट, इसमें सब मतलब इसमें इंडिकेटर पार्किंग सब जलता है। मैं आपको वैसे और वीडियोस में भी बता देता हूँ, देख सकते हैं जैसे कि आप, ये ऐसी लगाई जाएगी अभी पूरी अच्छी तरह से फिट होएगी लाइटें, तो वीडियो में बने रहिएगा। और बाकी अभी इसके अंदर और भी काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए फ्रेंड्स, मैं क्या है, इसे पूरा मतलब नई गाड़ी बना दिया इसको बिल्कुल, इसमें हर काम हुआ है, हर एक काम हुआ है इसमें जो गाड़ी में होना चाहिए, पूरा मॉडिफाइड किया गया है इस गाड़ी को। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़, पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो फ्रेंड्स, बाकी जो चीज़ रहने वाली है अपने किया सेल्टोस के अंदर, ये अपना रिवर्स कैमरा रहने वाला है, और ये ओएम कैमरा होता है, इसमें आपको भी मैं स्क्रीन भी दिखाऊंगा इसका कैसा होता है, स्क्रीन इसका कैसा है, अभी एंड्रॉयड सिस्टम अपना लग रहा है इसके अंदर, वो भी लगने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी अपना इसके अंदर ये बम्पर प्रोटेक्टर लगाया गया हुआ है, ओरिजिनल की असल तो उसका ये बम्पर प्रोटेक्टर होता है, तो देखते जैसे कि आप, और ये बम्पर प्रोटेक्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि गाड़ी बैक करते समय अगर किसी चीज़ में लग जाए तो ये इसे सेव करता है, इसलिए बम्पर प्रोटेक्टर लगाया जाता है, देख सकते हैं जैसे कि आप, ये अपना बम्पर प्रोटेक्टर था, और आगे भी इसे लगाया गया, मैं आपको एक मिनट दिखला दूँ, इसे आगे भी लगाया गया है, इससे आगे भी मतलब वही सेम चीज़ है, आगे भी अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो आगे किसी चीज़ में लग गई तो इससे कुछ होगा नहीं गाड़ी को नुकसान, ये बम्पर प्रोटेक्टर इस लायक है, देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं ये आपको यहीं पे लगता है, ये आगे पीछे कहीं नहीं रखा, ये यहीं पे लगता है गैस अल्टोस का, ये ओरिजिनल बम्पर प्रोटेक्टर है। बाकी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अपने किया सेल्टोस का डिफ्यूज़र लगाया गया है पीछे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पीछे पे डिफ्यूज़र लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं इससे उसके ऊपर लिखा हुआ भी है सेल्टोस, किया सेल्टोस का है ये ओरिजिनल डिफ्यूज़र, ये देख सकते हैं इसके आप। बाकी फ्रेंड्स, ये अपने किया सेल्टोस की ये वेलकम लाइट है, जिसे हम स्कफ लाइट भी कहते हैं, और ये देख सकते हैं ये वाइट वाली है, और इसके अंदर ये ब्लू रंग का ये जल रहा है अपना वेलकम लाइट, देख सकते हैं जैसे कि आप, यहाँ से भी ये लाइट जल रही है, मतलब हर साइड से जलती है लाइट, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इस पर पानी भरने से कोई नुकसान नहीं होता है, और ये ऐसी की ऐसी रहेगी, इस पर कोई भी आपको नुकसान नहीं होता है, और बड़ी अच्छी लाइट है ये, तो दरवाजे के साथ कनेक्टेड होती है, दरवाज़ा ओपन करने पर ये खुल जाती है, दरवाज़ा बंद करने पर भी ये ओपन ही रहती है फिलहाल तो।
तो फ्रेंड्स जब DRL का पूरा काम हो चुका है अब, और इसके अंदर ही आप इंडिकेटर देख सकते हैं एक बार, इसके अंदर अब DRL लग चुकी है फाइनली, और बहुत अच्छी तरह से लग चुकी है। लगने के बाद ये भैया ने अभी बोनट आगे का बंद कर दिए, तो अब ये देखने में कुछ ऐसी लग रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स अपने इस गाड़ी के अंदर ये क्रोम लगाया गया हुआ है, देख सकते हैं जैसे कि आप इस क्रोम की आप एकदम शेप देख सकते हैं एक बार, डब्बे जैसे शेप है इसके अंदर, और ये क्रोम आप देख सकते हैं एक बार नजदीक से, ये क्रोम लगाया गया हुआ है इसके अंदर, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप नीचे की तरफ से आप एक और बार देख सकते हैं, कुछ चेक आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स आप कितनी अच्छी तरह ये लग रहा है। बाकी फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं तो ये अपना, बाकी फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ तो ये अपना डिफ्यूज़र लगाया गया है इसके अंदर, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप ये अपना डिफ्यूज़र लगाया गया है इसके अंदर, जिससे मैं आपको बता चुका हूँ। और इसे पीछे भी लगाया गया हुआ है, आगे की तरफ आप ऐसे देख सकते हैं इसको ऐसा है आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स आधा काम हो चुका था अपने स्टेयरिंग के अंदर, जो मैंने बताया था आपको चिपक गया था, अभी भैया अपने जो कलर कर रहे थे इसमें स्टेयरिंग का काम, वही अभी सिलाई की है भैया ने, देखते हैं जैसे कि आप रेड कलर की इसमें धागे से भैया ने सिलाई की है, देखते हैं ये अपने किया सेल्टोस के अंदर स्टेयरिंग कवर सिला गया है, बहुत अच्छे तरह वैप करते हैं भैया। ये भी आप क्रिस्टल कार केयर पे आएंगे तो भैया से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, और यहाँ पे भैया अच्छा स्टेयरिंग भी सिलते हैं। तो यही अपना अभी आधा हो चुका हुआ है, आधा और बचा हुआ है देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी आधा और बचा हुआ है इसके अंदर, बाकी अपना यहाँ से लेके यहाँ तक भैया ने सिल चुके हैं अच्छी तरह से, बाकी अब यहाँ से इतना बचा हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा, ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ इस चैनल पे मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स बाकी आप देख सकते हैं ये अपना सेल्टोस का ओरिजिनल डोर गार्ड है, ये देख सकते हैं जैसे कि फ्रेंड्स आप इस पे लिखा भी है किया, ये अपना किया का रहने वाला ओरिजिनल डोर गार्ड है। और बाकी इसमें ये अपना हैंडल क्रोम लगाया गया हुआ है, एक बार से आप देख सकते हैं ये अपना हैंडल क्रोम है, इसकी आप फिटिंग देख सकते हैं एक मिनट। बाकी अपना डोर गार्ड है, एक बार मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाऊंगा तो ये दूर से कुछ ऐसा दिखता है देखने पे, बाकी फ्रेंड्स जो अपनी गाड़ी के अंदर किया सेल्टोस के अंदर जो चीज़ रहने वाली है, ये अपने किया सेल्टोस की अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं जो जेन्युइन कंपनी के एकदम GTR एकदम जेन्युइन कंपनी के, एक बार आप देख सकते हैं किया सेल्टोस की है, इसमें किया भी लिखा हुआ है, ये अपने किया सेल्टोस की है जेन्युइन अलॉय व्हील्स हैं फ्रेंड्स ये, और ये एक टायर में नहीं चारों टायर में लगे हैं फिलहाल, मैं आपको दिखा दूँ देख सकते हैं आप। इसके अंदर पहले हमने पेंट किया था, मतलब रेड वाले स्प्रे से हमने कलर किया, उसके बाद फिर इसमें हमने अलॉय व्हील लगाए, देख सकते हैं जैसे कि आप उनका डिज़ाइन देख सकते हैं फ्रेंड्स आप कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये अभी भैया अंदर स्टेयरिंग कवर चल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी पहले इसे चिपकाया जाता है अच्छे तरह से, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, पहले इसे अच्छे से चिपकाते हैं, उसके बाद फिर इस पर सिलाई की जाती है जिससे ये हैंडल मजबूत होए और इसमें मतलब बाद में हिले ना, इसलिए ऐसे पहले इसे गम लगा के मजबूत किया जाता है, उसके बाद फिर इसके ऊपर सिलाई की जाती है धागे से, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप ये वही धागा है, मतलब वही कवर है ये किया सेल्टोस के अंदर आज भैया स्टेयरिंग कवर सिल रहे हैं अपने, और आप एक बार इसे नज़दीक से देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से ये पहले चिपक जाता है, उसके बाद फिर इसमें सिलाई की जाती है। तो फ्रेंड्स बाकी जो अपने सीट कवर्स की बात करें तो सीट कवर्स कुछ ऐसे डिज़ाइन के अपने किया सेल्टोस के देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, भैया की चॉइस थी, भैया को रेड और ब्लैक में चाहिए था इसलिए हमने रेड एंड ब्लैक में ये सीट कवर तैयार किया है, देख सकते हैं जैसा कि आप इसके आप डिज़ाइन देख सकते हैं, एक्स्ट्रा कुशन से इसके अंदर देख सकते हैं आप कुशन भी है इसके अंदर, और बाकी इसके रेड कलर से इसका धागा है, बाकी इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं खुद चेकआउट कर सकते हैं फ्रेंड्स आप, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ तो कुछ ऐसा है ये। बाकी फ्रेंड्स जो अपनी गाड़ी के अंदर लगाई है अपना डिग्गी पत्ती लगाई गई है इसमें, देख सकते हैं जैसे कि आप ये अपनी डिग्गी पत्ती है, इसकी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसे चिपका दिया गया है, अच्छी तरह से चिपक जाता है,
ये अपनी डिग्गी पत्ती है, मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाऊं तो देखने में कुछ ऐसी लगती है ये अपने सेल्टोस के अंदर। बाकी की मैं बात करूं तो अपने रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं इसके अंदर मैट्रिक्स के, इसमें आपको तीनों जलता है, ब्रेक पार्किंग इंडिकेटर सब जलता है इसके अंदर। मैं आपको एक बार जल के चेकआउट भी करवा दूंगा जला के, एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं ये अपना ब्रेक है अभी, नहीं पार्किंग है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ब्रेक भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये अपने ब्रेक है देख सकते हैं, जैसे कि आप बाकी फ्रेंड्स जो अपनी गाड़ी के अंदर लगा है क्या सेट उसके अंदर, तो आपको मैं दिखा दूँ ये लोड गार्निश लगाया गया है इसके अंदर। अब इसकी फिटिंग एक बार चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसे लगाया गया हुआ है, और ये एकदम सही से लग जाती है देख सकते हैं, जैसे कि आप ये लोड गार्निश अपनी इसके अंदर लगती है अच्छी तरह से देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स ये जो अपनी गाड़ी के अंदर लगी है क्या सेल्टोस के अंदर, ये अपनी साइड फिटिंग है गाड़ी की देख सकते हैं, जैसे कि आप ये डोर के नीचे यहाँ पे लगती है, और इसकी आप फिटिंग एक बार खुद चेकआउट कर सकते हैं। इसे भी बहुत अच्छी तरह से लगाया है भैया ने देख सकते हैं, जैसे कि आप दूर से देखने में कुछ ऐसा लगता है, ये आप खुद चेकआउट कर सकते हैं इसकी फिटिंग। बाकी फ्रेंड्स ये इंडिकेटर है अपने रिफ्लेक्टर के अंदर, देख सकते हैं आप इंडिकेटर, तो फ्रेंड्स ऊपर की तरफ जो चीज़ लगी है वो मैं आपको दिखा दूँ, तो ये अपना स्पॉइलर लगाया गया है इसमें, और इसका ब्लैक कलर से इसका डिज़ाइन देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार लग रहा है, देखिए आप इसका लुक भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसका लुक। बट आपको मैं दूर से दिखा दूँ अपने किया सेल्टोस के अंदर की है स्पॉइलर ही अपना, बाकी अपना ये रूफ भी लगाया गया है इसके अंदर, अभी इस पर अच्छे से चिपकाया जाएगा अच्छी तरह से, अभी तो ये बस ऐसे चिपक मतलब चिपक चुका है फ्रेंड्स, ये इसे हमने सिलिकॉन से चिपकाया था फ्रेंड्स, अब सिलिकॉन से इसे चिपकाया गया था स्पॉइलर को, और इसके साथ आप देख सकते हैं स्पॉइलर रूफ रेल को देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं ये अपनी फ्लोरिंग की गई है इसके अंदर, देख सकते हैं जैसे कि आप अंडरग्राउंड फ्लोरिंग हो गई है बिल्कुल अच्छी तरह से, इसमें आप वाटर प्रूफ फ्लोरिंग होती है, एक तो ये अपनी उसके अंदर हुई है ये देख सकते हैं, जैसे कि आप बिल्कुल भी आपको कहीं से दिखने लायक नहीं बचेगी, ये अंदर अंदर हो जाती है बिल्कुल फ्लोरिंग है, कहीं से आपको दिखती नहीं है ये बाहर की तरफ, देख सकते हैं जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, आप खुद चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल अंदर अंदर चली जाएगी फ्रेंड्स, ये आप एक बार खुद चेकआउट कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए कहीं से भी आपको दिख रहा हो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपने सीट कवर्स तैयार हो चुके हैं किया के अंदर की देख सकते हैं, जैसे कि आप ये अपने किया सेल्टोस की है, और बाकी आप इनकी फिटिंग देख सकते हैं एक्स्ट्रा कुशन से इसके अंदर, और बाकी इसका ये भी भैया ने दिया है मतलब लगवाया है इसके अंदर, ये इसका आप देख सकते हैं इससे सीट कवर की लुक कितने अच्छे लग रहे हैं। बाकी इसकी आप ये देख सकते हैं लाल धागे से इसमें किया गया है रेड एंड ब्लैक, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया था जब सीट कवर इसमें लगानी था, अभी लग चुका है फाइनली, ये देख सकते हैं जैसे कि आप इसकी फिटमेंट्स देख सकते हैं, खुद चेकआउट कर सकते हैं इसकी फिटमेंट्स कितनी बेहतर आइडिया है फिटमेंट्स, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कमेंट इसमें मतलब फिटमेंट इसमें कैसी आई है, देख सकते हैं जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर काम हुआ है, कोई भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम, अगर आपको आना है तो आप आइए अपना सारा काम करवाइए, यहाँ पर सारा काम आपका एकदम परफेक्ट तरह से हो जाएगा, जैसा सीट कवर से वैसी स्क्रीन कवर भी है। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं ये अपने पावर विंडो की बिजली वायरिंग है, ये अभी भैया कनेक्शन कर रहे हैं वहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आप मैं आपको थोड़ा पास दिला दूं, इलेक्ट्रिशियन साहब ये इस पे बैटरी में तो इतना सूट आप डाल दो कोई दिक्कत थोड़ी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप ये काम हो रहा है इसके अंदर। बाकी फ्रेंड्स जो अपने गाड़ी के अंदर लगा है किया सेल्टोस के अंदर वो मैं आपको बता दूं, ये मिरर फोल्डिंग करवाया भैया ने, मिरर फोल्डिंग करना एक बार देख सकते हैं फ्रेंड्स आप चालू। तो फ्रेंड्स ये अपना मिरर फोल्डिंग लगवाया भैया ने, और ये भी हमने लगाया है यहाँ पे क्रिस्टल कार केयर पे हुआ ये काम देख सकते हैं। ये अपना मिरर फोल्डिंग था फ्रेंड्स आज की इस किया सेल्टोस के अंदर, बाकी अपना सारा काम मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अलॉय व्हील्स लगे थे
आगे के फॉग लैंप्स थे और बाकी क्रोम वगैरह सब कुछ चीजें लगी थी इसके अंदर। बाकी फ्रेंड्स जो अपना मैं आपको दिखा दूं, यहाँ अंदर से भी मिरर फोल्डिंग का ऑप्शन है। यहाँ अगर आपको अंदर से करना है तो आप अंदर से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आप मिरर अपना अभी खुल गया, अभी मैंने ऐसे किया बंद हो गया ये, तो अंदर से भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अपना ये कंपनी का जेन्युइन एंड्रॉयड सिस्टम लगाया गया हुआ है इसके अंदर, और ये बेस मॉडल था। हमने इसे पूरा टॉप मॉडल का ये एक तो एंड्रॉयड सिस्टम भी लगाया और हमने इसे बेस से टॉप भी किया है। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ बहुत सारा काम हुआ है इस गाड़ी के अंदर। बाकी अपना एंड्रॉयड सिस्टम है, इसके अंदर भी आपको बहुत सारी फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी फ्रेंड्स आप अपने कैमरे की स्क्रीन देख सकते हैं एक बार, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि पीछे रिवर्स कैमरा भी लगाया गया है, उसकी ये स्क्रीन देख सकते हैं आप। और ये मूविंग कैमरा होता है, ये घूम भी जाता है टायर मोड़ने के साथ साथ, एक बार देख सकते हैं। जैसे कि आप स्टार्ट पे होता है मतलब। बाकी फ्रेंड्स ये अपने फॉग लैंप रहने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर, किया सेल्टोस के देख सकते हैं। जैसे कि आप ओरिजिनल किया सेल्टोस के हैं ये, एक बार आप इसकी लाइट चेकआउट कर सकते हैं। मगर दिन का समय तो लाइट आपको दिखेगी नहीं, रात के समय में आपको लाइट दिखती है। ये देखने में कुछ ऐसा लगता है, इसके अंदर तीन बल्ब दिए गए हैं फॉग लैंप के अंदर अपनी है, और लंबी है ये देख सकते हैं। जैसे कि आप बाकी फ्रेंड्स अपने एचआईडी भी लगाई गई है हेडलैम्प के अंदर, बस मैं आपको इसे जला के भी दिखलाऊंगा अभी। इसके अंदर हेडलैम्प के अंदर एचआईडी लगाई गई है, मैं आपको जला के भी दिखलाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। बाकी फ्रेंड्स जो आप देख सकते हैं ये अपने किया सेल्टोस की यहाँ डिक्की लाइट है, देख सकते हैं। जैसे कि आप ये यहाँ पे लाइट लगती है और ये डिक्की लाइट है इसमें की, ये अभी भैया इसके कनेक्शन कर रहे हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आप वायरिंग भी आपकी अंडरग्राउंड होती है, बिल्कुल आपको दिखने लायक नहीं मिलती, बिल्कुल अंडरग्राउंड आपकी वायरिंग होती है। और एक तो कटिंग नहीं होती, बिल्कुल अच्छा काम हो जाता है, वायर कट नहीं होती आपकी बिल्कुल भी, वैसे कोई शिकायत नहीं मिली है आपको वायर कट की, एकदम अच्छा काम होता है यहाँ पे। क्या चल रहा के अंदर अपने देख सकते हैं आप, ये लाइट लगाई जा रही है डिक्की लाइट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी यहाँ पे भी लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये अपने विजय भैया हैं जो क्रिस्टल कार के ओनर हैं, और इन्होंने ही सारा काम करवाया भैया की गाड़ी के अंदर। और ये हमारे किया सेल्टोस के ओनर हैं। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? नितेश बंसल। अच्छा, और भैया आप आए कहाँ से? गंगानगर राजस्थान। अच्छा, और भैया आपकी गाड़ी में जो जितना भी काम हुआ है तो वो आपको अच्छा लगा? मतलब बहुत बढ़िया लगा भैया, बहुत बढ़िया। भैया की सर्विस भी बहुत बढ़िया, भैया ही बहुत बढ़िया, भैया का प्राइस बहुत अच्छा है। राखा से मंगवाया, एक जया वाले उनसे मंगवाया, बट भैया से मैंने रेट लिस्ट भी नहीं ली, पर भैया पे बस बिलीव किया और भैया से काम शुरू करवा दिया। अच्छा, भैया के आने से पहले कई गाड़ी वालों ने मुझे रोका, सुबह सुबह मैं आया जल्दी, बट मैं सीधा भैया के पास ही रोका था, भैया से टाइम ले रखा था भैया के पास। मतलब आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो ना? हाँ जी भैया, कोई ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने बताया कुछ और लगा कुछ और दिया? नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छा। मतलब खुश तो होना अपने काम से? हाँ जी भैया, बिल्कुल खुश, बिल्कुल। थैंक यू भैया।